कहानी की शुरुआत होती है 2035 से, जहां में बताया जाता है कि अब इंसान धरती के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं, क्योंकि बहुत समय पहले यानी 1997 में धरती पर एक ऐसा वायरस फैला जिसमें दुनिया के 99% लोग मारे गए। वैज्ञानिक अभी भी उस वायरस का वैक्सीन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। इसी अंडरग्राउंड जेल में एक कैदी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन है। ये बाकी कैदियों से काफी होशियार था, इसकी याददाश्त भी काफी अच्छी थी, इसलिए वैज्ञानिक लोग इसे एक मिशन देते हैं। वो वैज्ञानिक जॉन को बताते हैं कि इन्होंने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिससे किसी को भी टाइम ट्रेवल करके पास्ट में भेज सकते हैं। इसका काम होगा पास्ट में जाकर उस भयानक वायरस का पता लगाना, ताकि ये लोग उस वायरस का वैक्सीन बना सके, जिसके बाद बचे हुए इंसान फिर से धरती पर रह सकेंगे। अगर इसने ये काम कर दिया तो इसकी बाकी की सजा माफ हो जाएगी। जॉन इनकी शर्त मान जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक जॉन को टाइम ट्रेवल के द्वारा सन 1996 में भेजते हैं, मगर मशीन में कुछ गड़बड़ी आ जाने के कारण वो 1990 में पहुंच जाता है, जहां पुलिस से इसका झगड़ा होने के कारण इसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में इससे मिलने के लिए डॉक्टर कैथरीन आती है। इसकी अजीबोगरीब बातें सुनकर कैथरीन इन्हें अपने सीनियर डॉक्टर को दिखाती है। यहाँ पर जॉन इन लोगों को बताता है कि ये 2035 से आया है। इसका मिशन है 1996 में फैले उस वायरस को खोजना, जिसके वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इसकी बातें सुनकर जाहिर सी बात है किसी को यकीन नहीं होता। डॉक्टर इससे पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ दुनिया बचाने आए हो? जॉन कहता है, नहीं, मैं यहाँ सिर्फ वायरस का पता लगाने आया हूँ, बाकी ये दुनिया तो पहले ही तबाह हो चुकी है। जॉन को लगता है कि कोई इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा, इसलिए वो इन्हें एक नंबर मिलाने को कहता है जो इसे वैज्ञानिकों ने दिया था। लेकिन जब ये उस नंबर पर फोन करता है, तब दूसरी तरफ से कोई औरत फोन उठाती है जिससे इसके बारे में कुछ पता नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो नंबर वैज्ञानिकों ने इसे दिया था वो 1996 में उनके पास आएगा, और इस वक्त जॉन 1990 में है। सारी बातें खत्म होने के बाद जॉन को पागल समझकर उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है। वहां पर जॉन की मुलाकात जेफरी नाम के एक पागल आदमी से होती है। ये दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में जॉन इसको बता देता है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। एक दिन जॉन अपने सेल में सो रहा था, तभी अचानक ये यहाँ से गायब होकर अपने समय यानी 2035 में चला आता है। वैज्ञानिक इसको एक रिकॉर्डिंग सुनाकर इससे पूछते हैं कि क्या ये तुमने भेजा था? ये मैसेज इन लोगों को 1996 से आया है। उस ऑडियो मैसेज में एक लड़की कह रही थी कि 12 मंकी की आर्मी ने अपना काम कर दिया। जॉन इन्हें बताता है कि आप लोगों ने मुझे 1996 में नहीं बल्कि 1990 में भेज दिया था, और ये मैसेज किसने भेजा मुझे नहीं मालूम। इसके बाद जॉन को कुछ तस्वीरें दिखाकर इससे पूछा जाता है कि क्या इनमें से ये किसी को जानता है। जॉन उस फोटो में जेफरी को पहचान जाता है। इसके बाद ये लोग जॉन को दूसरा मौका देकर इसको फिर से टाइम मशीन के द्वारा 1996 में भेजते हैं, लेकिन इस बार फिर ये गलत टाइम में पहुंच जाता है, और ये समय होता है वर्ल्ड वार का, जहां सभी तरफ लड़ाइयां हो रही थी। जॉन को कुछ समझ नहीं आता, ये किसी तरह यहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसके पैर में गोली लग जाती है, और ठीक इसी वक्त पर टाइम मशीन फिर से अपना काम करती है, और इस बार जॉन 1996 में पहुंच जाता है, जहां इसे पहली बार में ही आ जाना था। 1996 में डॉक्टर कैथरीन को दिखाया जाता है जो अपना भाषण दे रही थी। दरअसल इन बीते 5-6 सालों में डॉक्टर कैथरीन काफी मशहूर हो गई हैं। लोग इनका ऑटोग्राफ ले रहे थे। इस भीड़ में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, इसका नाम पीटर है। पीटर कैथरीन से कहता है कि दुनिया में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन लोगों के पास खाने को भी नहीं बचेगा, इसलिए हमें इस बारे में कुछ करना होगा। मगर कैथरीन इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वो अपनी गाड़ी के पास आती है, जहाँ पहले से ही जॉन इसका इंतजार कर रहा था। वो कैथरीन को जबरदस्ती किडनैप करके इसको फिलाडेल्फिया चलने को कहता है, क्योंकि वायरस सबसे पहले वहीं से फैलना शुरू हुआ था। कैथरीन जॉन को पहचान जाती है। इसे याद आता है कि ये वही पागल आदमी है जो 6 साल पहले पागल खाने से गायब हो गया था। जॉन कैथरीन को बताता है कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन कैथरीन को अभी भी इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। कुछ देर बाद ये दोनों फिलाडेल्फिया शहर पहुंचते हैं, जहां जॉन दीवारों पर 12 मंकीज के निशान देखता है, जिसे देखकर इसको समझ में आ जाता है कि 12 मंकीज अपने काम पर लग गए हैं। असल में जॉन को बताया गया था कि वो वायरस 12 मंकी के ग्रुप ने ही फैलाया है, मगर उसका लीडर कौन है किसी को नहीं पता। अब सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही वो खतरनाक वायरस फैलना शुरू हो जाएगा। जॉन किसी तरह 12 मंकी ग्रुप के कुछ लोगों को पकड़कर उनसे उनके लीडर के बारे में पूछता है। उनके ना बताने पर ये उन्हें जान से मारने की धमकी देता है,
जिससे डर कर वो इसे बताते हैं कि इनका लीडर जेफरी है, और जेफरी को तो ये जानता ही था। ये जेफरी का पता पाकर उसके घर जाने के लिए निकल पड़ता है। इसके पैर में अभी भी वो गोली थी जो इसे वर्ल्ड वार में लगी। कैथरीन इसके पैर से वो गोली निकालने में इसकी मदद करती है। हालांकि कैथरीन को अभी भी इसके टाइम ट्रेवल के ऊपर यकीन नहीं था, ये तो अभी भी जॉन को मानसिक रोगी ही समझ रही थी। खैर, कुछ देर बाद जॉन जेफरी के घर उससे मिलने के लिए पहुंचता है। ये जेफरी को यकीन दिलाता है कि ये जो भी करने वाला है वो आराम से करे, ये इसके रास्ते में नहीं आएगा, बस ये इसको उस वायरस के बारे में बता दे, उसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा। मगर जेफरी का कहना था कि इसे किसी भी वायरस के बारे में नहीं पता। जॉन को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। जॉन किसी तरह वहाँ से भागकर कैथरीन की गाड़ी के पास आता है। ये कैथरीन को डिग्गी से बाहर निकालकर फिर से यहाँ से गायब होकर अपने टाइम यानी 2035 में पहुँचता है। इस तरफ कैथरीन को पता चलता है कि जो गोली इसने जॉन के पैर से निकाली थी असल में वो गोली वर्ल्ड वार की थी। इसका मतलब जॉन सच बोल रहा था कि वो एक टाइम ट्रेवलर है। ये तुरंत जेफरी के डैड को फोन करके उन्हें बताती है कि जेफरी आपके लैब से वायरस चुराकर पूरी दुनिया में फैलाने वाला है। जेफरी के डैड एक वैज्ञानिक थे, वो कैथरीन को यकीन दिलाते हैं कि जेफरी इनके लैब तक नहीं पहुंच सकता। इस तरफ हमें जॉन को दिखाया जाता है जो 2035 में अपना इलाज करवाकर फिर से 1996 में पहुंचता है, जहां ये फिर से कैथरीन से मिलता है। कैथरीन जॉन को बताती है कि अब इसे इसकी बातों पर पूरा यकीन है, मगर अब जॉन बार बार टाइम ट्रेवल करके परेशान हो चुका था, इसलिए ये अपने समय में वापस नहीं जाना चाहता। कैथरीन इसको बोलती है कि तुम यहाँ रह सकते हो, मगर ये बताओ उन साइंटिस्ट का नंबर क्या है जिस पर तुम 1990 में कॉल कर रहे थे। जॉन वो नंबर याद करके कैथरीन को बता देता है। कैथरीन तुरंत उस नंबर पर फोन करके साइंटिस्ट को बताती है कि 12 मंकीज ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये बात कैथरीन जॉन को भी बताती है। तब जॉन कैथरीन को बोलता है कि अभी भी हमने कुछ नहीं बदला, जो अभी तुमने साइंटिस्ट को फोन पर कहा वो मैंने 2035 में सुना था, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। इसके बाद जॉन अपने दांत से वो डिवाइस निकाल देता है जिससे वैज्ञानिक इसको वापस 2035 में बुला लेते थे, क्योंकि वैसे भी जॉन धरती के नीचे रहकर परेशान हो चुका था, इसलिए जॉन यही रहने का फैसला करता है। जिस पर कैथरीन इसको समझाती है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। इसके बाद ये दोनों अपना भेष बदलकर शहर से दूर जा रहे थे, क्योंकि जॉन को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे और डॉक्टर कैथरीन बहुत फेमस थी, इसलिए ये दोनों नहीं चाहते थे कि कोई इन पर ध्यान दे। रास्ते में देखते हैं कि कुछ जानवर सड़क पर आ गए हैं। टैक्सी ड्राइवर इन्हें बताती है कि 12 मंकीज ने अपना काम कर दिया। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि 12 मंकी ग्रुप कोई वायरस नहीं फैला रहा, बल्कि उनका मिशन था चिड़ियाघर के सभी जानवरों को आजाद करना। ये बात जानते ही जॉन एयरपोर्ट से वैज्ञानिक के दिए हुए नंबर पर फोन करता है। ये उन्हें बताता है कि 12 मंकी ग्रुप का उस वायरस से कोई लेना देना नहीं और अब ये 2035 में नहीं आएगा। तभी यहाँ 2035 से एक आदमी आता है जो इसे गन देकर कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इस तरफ कैथरीन को एयरपोर्ट पर डॉक्टर पीटर मिलता है। तभी इसकी नजर न्यूज़पेपर पर जाती है, जिसमें इसको पता चलता है कि डॉक्टर पीटर दरअसल जेफरी के डैड के साथ काम करता है। इसका मतलब यही इस दुनिया में वायरस फैलाएगा। ये बात कैथरीन जॉन को बताती है, जिसके बाद जॉन डॉक्टर पीटर को पकड़ने के लिए गन लेकर उसके पीछे भागता है, लेकिन तभी पुलिस वाले पीछे से इसको गोली मार देते हैं। अब जॉन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। यहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो असल में जॉन का ही बचपन वाला रूप है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर दो जॉन मौजूद हैं, एक जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया है, दूसरा वो लड़का जो प्रेजेंट का जॉन है। इस तरफ प्लेन में डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है जो उस वायरस को लेकर अलग अलग शहर में जा रहा था ताकि ये पूरी दुनिया में इस वायरस को फैला सके। इसके बगल की सीट पर हम 2035 के साइंटिस्ट को देखते हैं जो इससे बातचीत करके दोस्ती बढ़ा रही थी। असल में इस वैज्ञानिक को पता है कि वो वायरस इसी के पास है, ये उनसे दोस्ती बढ़ाकर उस वायरस के बारे में जान जाएगी, जिसके बाद वो साइंटिस्ट अपने समय यानी 2035 में आकर उस वायरस का वैक्सीन बनाएगी, जिसके बाद फिर से इस दुनिया के लोग धरती के बाहर खुली हवा में रह सकेंगे। और दोस्तों, यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर साइंटिस्ट को पता चल गया था कि वायरस किसने फैलाया, तब ये सीधे पीटर को पकड़कर उस वायरस को फैलने से क्यों नहीं रोका। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि उन साइंटिस्ट का मिशन था उस वायरस को ढूंढकर उसका वैक्सीन बनाना, ताकि ये अपने समय में धरती पर फिर से सांस ले सके। अगर इन्होंने पीटर को पकड़ लिया होता तब पूरा फ्यूचर ही बदल जाता, और दूसरा फ्यूचर कैसा होता कोई नहीं जानता।
इसलिए 2035 के वैज्ञानिकों ने कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन ये सब करने में बेचारा जॉन मारा गया, मगर मरने से पहले उसने अपना मिशन पूरा कर दिया था। तो दोस्तों ये थी 12 मंकीज की कहानी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।